This is the newly launched Bajaj NS 400Z. अब बाइक कितना अच्छा ऑफर किया जा रहा है या फिर बुरा ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन हम इस बाइक को सीधा सीधा डोमिनर 400 के साथ कंपेयर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, जब भी सोसाइटी में कोई अच्छा काम होता है, कुछ ना कुछ लोग ऐसा होते हैं जो इस काम की क्रिटिसाइज भी करते। जैसे बजाज ने NS 400Z को लॉन्च किया है, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा जो इस बाइक का क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि बाइक के अंदर जो इंजन ऑफर किया जा रहा है ये डोमिनर का इंजन सीधा सीधा उठा के इसके अंदर चिपकाया गया है। लेकिन आप ये भी तो जानना पड़ेगा, बाइक जिस प्राइस में ऑफर किया जा रहा है, इस प्राइस में 400cc सेगमेंट में एक भी बाइक आप दिखा दीजिए जो इंडियन मार्केट में इस टाइम पे एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपको डोमिनर 400 लेना चाहिए या फिर NS 400 लेना चाहिए। देखिए, दोनों का इंजन एग्जैक्टली सिमिलर आपको ऑफर किया जा रहा है। इसके अंदर भी जैसे इंजन ऑफर किया जा रहा है, इसके अंदर भी सिमिलर इंजन ही आ रहा है। लिक्विड कूलिंग इसके अंदर भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी टेक्निकल चीज आपको सिमिलर ही आएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे चीज आपको डिफरेंट ऑफर किया जा रहा है। ये बाइक कंप्लीटली नया है, बहुत सारे लोग इस बाइक को पसंद भी कर रहे हैं और स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट में ऑफर किया जा रहा है इसको देखेंगे। ये बाइक एज कम्पेयर टू दिस वन, आपको ये बाइक 20 किलो के आसपास ज्यादा हेवी ऑफर किया जा रहा है, मतलब इसकी वेट आपको 195 किलो के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर इस बाइक की बात करेंगे, ये बाइक आपको लाइटर भी ऑफर किया जा रहा है, काफी हल्की है, 174 किलो के आसपास इसका कर्व वेट आपको देखने को मिलता है। तो इतनी हल्की वजन के साथ इस बाइक को लॉन्च किया गया है। ऊपर से इसकी प्राइसिंग भी देखेंगे, ये बाइक आपको एक शोरूम पड़ने वाले 1,82,000 एक शोरूम। ऑन रोड कोलकाता के हिसाब से बताया जाए तो इसका कॉस्ट आएगा आपको लगभग 2,30,000 के आसपास, आपको ऑन रोड प्राइस फिट बैठ जाएगा। सिटी अलग अलग होगा तो आप मान सकते हो 5,000 प्राइस गैप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोटा मोटा आपको 2,30,000 के अंदर ये बाइक ऑन रोड फिट बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप इस बाइक को देखेंगे, इसका एक शोरूम प्राइस ही स्टार्ट होने वाला है 2,30,000 से, ऑन रोड जाते जाते ये बाइक आपको पड़ने वाला है 2,80,000 या फिर 2,82,000 के आसपास ये ऑन रोड फिट बैठेगा। अब बाइक का ये जो कलर देख रहे हो, ये ग्रीन कलर स्पार्कलिंग वाला इफेक्ट के साथ बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और डोमिनर का क्रेज अलग लेवल पे, ये अलग फैन बेस पे चलता है ये बाइक, हम सबको पता है। लेकिन जैसे ये बाइक NS जो बाइक आया है ना, NS के साथ मैक्सिमम जो आपको इंजन कैपेसिटी था वो 200cc का था, लेकिन अभी आपको 400cc में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे इंजन छोड़ के और भी काफी सारे चीज आपको डिफरेंट मिलेगा और क्यों ये बाइक एज कम्पेयर टू डोमिनर प्रीमियम ऑफर किया जा रहा है। हाँ भैया, वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम कंक्लूशन पे चले आए। मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आपकी प्राइस छोड़िए, अगर आपके मन किया एक 400cc मोटरसाइकिल बजाज की तरफ से लेना है, दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा आप इसको चूज कीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज है एज कम्पेयर टू डोमिनर। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस करेंगे इस बाइक के, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो फ्रेम का यूज किया जा रहा है, पेरीमीटर फ्रेम यहाँ पे यूज की गई है, यहाँ पे भी सेम फ्रेम का यूज किया गया, तो यहाँ पे सिमिलरिटीज तो विजिबल हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे इंजन ब्लॉक देखेंगे, ये बजाज के लोगों के साथ आपको विजिबल होगा। सामने आपको यहाँ पे कूलिंग सिस्टम भी ऑफर किया जा रहा है और इसका ओवरऑल जो डिजाइन लैंग्वेज है बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक, और ये जो आज के टाइम पे यंग बंदे है ना वो डेफिनेटली इस बाइक को पसंद करने वाले। अब कलर, रेड कलर, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इसका जो व्हाइट कलर आते वो ज्यादा पसंद आ रहे हैं। आप यहाँ पे और नोटिस करेंगे ना, सामने यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊंगा, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो डिस्क ऑफर किया जा रहा है ये आपको 320mm की डिस्क ऑफर किया जा रहा है एंड विद एबीएस रिंग आपको यहाँ पे विजिबल होगा। सामने आपको जो बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूएसडी फोक्स ऑफर किया जा रहा है, अपसाइड डाउन फोक्स और वो भी गोल्डन कलर के साथ, और ये 43mm की आपको देखने को मिलेगा। पीछे आएंगे तो आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे आपको जो टायर ऑफर किया जा रहा है ये आपको 140 सेक्शन की ऑफर किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे 140 सेक्शन मिलेगा। डिस्क देखेंगे 230mm की आपको डिस्क प्लेट विजिबल होगा, और यहाँ पे देखेंगे आपको पीछे भी ABS की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि बाइक 400cc में आ रहे हैं। डोमिनर को देखेंगे, डोमिनर को कंपेयर करेंगे उसके साथ, तो यहाँ पे पीछे जो टायर ऑफर किया जा रहा है ये 150 सेक्शन की, दैट मीन्स 10mm ज्यादा वाइडर है एज कम्पेयर टू NS 400, और सामने के टायर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज सिमिलर टायर आते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायमंड का डिजाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर देखेंगे यहाँ पे कोई भी डायमंड का डिजाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इस बाइक के जो एडवांटेज है, आपको लाइट वेट ऑफर किया जा रहा है, आपको ये बाइक लगभग 174 किलो के आसपास है, ये बाइक ज्यादा हेवी हो तो सिटी के अंदर मैनुअवर करना ये बाइक ज्यादा इजी आपको होने वाला है। आप यहाँ पे आ जाइए, सामने दिखाएं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसकी जो मेन हेडलैम्प है वो तो स्टाइलिश है, ये प्रोजेक्टर ऑफर किया जा रहा है, ये प्रोजेक्टर की थ्रो भी बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगा, लो बीम हाई बीम दोनों ही इसी के अंदर से कंट्रोल होने वाले। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो रोबोटिक डिजाइन ऑफर किया जा रहा है ना, दोनों तरफ DRL, ये और भी ज्यादा स्टाइलिश आपको देखने को मिलेगा, आईब्रो टाइप शेप में ऑफर किया जा रहा है। अब ये जो बाइक का हेडलैम्प का सेटअप ऑफर किया जा रहा है, ये हमें N सीरीज में जो बाइक आते हैं उसके साथ सिमिलर देखने को मिलेगा, NS के साथ जो सिमिलरिटीज है वो नहीं देखने को मिलते। अब यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, इसका फ्यूल टैंक देखेंगे, ये आपको 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक का ऑफर किया जा रहा है, थोड़ा सा छोटी है। डोमिनर को देखेंगे, डोमिनर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 13 लीटर की, 1 लीटर ज्यादा फ्यूल इसके अंदर आएगा। और इसकी हेडलैम्प नोटिस करेंगे तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए इसके हेडलैम्प के अंदर आपको वही रिफ्लेक्टर बेस्ड LEDs ऑफर किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ लो बीम हाई बीम देखेंगे कुछ यहाँ से कंट्रोल होने वाला है। और इस बाइक की जो डिसएडवांटेज है, कर्व वेट
और इसके साथ साथ यहाँ पे ये माइलेज भी आपको कम प्रोवाइड करेंगे एज कम्पेयर टू दिस वन। ये भी 400 cc है लेकिन 20 किलो लाइटर होने की वजह से ये बाइक आपको ज्यादा माइलेज डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। अभी चलिए मैं आपको एक एक करके दोनों बाइक में बैठ कर दिखा देता हूँ किसका सिटिंग कंफर्ट कैसा ऑफर किया जाए। पहली बात इसको देखेंगे, एनएस तो लाइट वेट ऑफर किया जा रहा है, प्राइस भी काफी कम रखी गई है। अगर आपके बजट 2 लाख के आसपास है थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये बाइक ले लीजिए, आपके लिए ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पे फुटपेक्स देखेंगे, फुटपेक्स थोड़ा सा पीछे की तरफ है तो आपको 90 डिग्री एंगल नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा स्पोर्टी वाला डिजाइन इस बाइक का ऑलरेडी है। पीछे देखेंगे यहाँ पे भी फुटपेक्स ऑफर किया जा रहा है पिलियन के लिए, और इसी के साथ साथ सीट देखेंगे, सीट स्प्लिटेबल ऑप्शन के साथ ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे पिलियन को बैठने के लिए काफी ज्यादा स्पेस ऑफर किया जा रहा है। और मेरा कंफर्ट की बात करो, अगर आप राइडर हो तो आपके लिए भी कंफर्टेबल बहुत अच्छा है, लेकिन उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये बाइक ओवरऑल एक स्पोर्टी कैटेगरी की मोटरसाइकिल है। और अगर आप हैंडल बार की बात करेंगे तो ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हैंडल बार आपको एक स्ट्रेट लाइन में ऑफर किया जा रहा है। ये हैंडल बार आपको डोमिनर के साथ थोड़ा सा सिमिलर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एनएस सीरीज के अंदर जो हैंडल बार ऑफर किया जा रहा है वो जनरली क्लिप ऑन हैंडल बार आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल बार में ऑफर किया जा रहा है। तो इस बाइक ना थोड़ा सा एनएस और एन सीरीज की जो बाइक आते हैं दोनों का मिक्सचर मुझे लगा है, क्योंकि हैंडल बार भी एन सीरीज के साथ सिमिलर लग रहा है, हेडलैम्प भी एन सीरीज के साथ सिमिलर लग रहा है, लेकिन गाड़ी की ओवरऑल डिजाइन एनएस रखी गई है। अब यहाँ पे और दिखाने लायक है नहीं, फुटपेक्स तो आपने देख लिया, फुटपेक्स के साथ साथ मैं यहाँ पे और एक चीज दिखाना भूल गया था। आप यहाँ पे देखेंगे दोनों पैर जमीन पे आराम से आ रहे हैं। मेरा हाइट 5'11" है, तो अगर आपकी हाइट 5'5" से ज्यादा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 5'5" से कम भी होगा तो भी मैनूवर कर पाएंगे। गाड़ी का ओवरऑल वेट काफी हल्का है, तो अगर आपकी हाइट थोड़ा सा शॉर्ट भी होगा तो भी आप इजिली मैनूवर कर पाएंगे, आपको उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप डोमिनर को देखेंगे, डोमिनर के साथ मामला थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर आपको यहाँ पे ये जो सीट हाइट ऑफर किया जा रहा है, ये सीट हाइट एज पर अगर आप ऑन पेपर देखेंगे, ऑन पेपर इस बाइक की सीट हाइट 805 mm की ऑफर किया जा रहा है, लेकिन इसका सीट हाइट आपको 807 mm की ऑफर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये बाइक मैनूवर करना थोड़ा दिक्कत वाली बात होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 किलो ज्यादा हैवी है मोटरसाइकिल। और यहाँ पे इसकी जो सस्पेंशन वगैरह वो तो काफी कमाल की है, फुटपेक्स इजिली इसके अंदर दोनों तरफ से आ जाएगा। और इसके जो सीटिंग कंफर्ट है अगर आप क्लोज आके देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, पीछे जो स्पेस छोड़ी गई और सीट की जो कुशनिंग वगैरह ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल आपको मिलेगा। और ऑलरेडी पीछे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बैकरेस्ट भी ऑफर किया जाएगा, यहाँ पे एक रैक भी कंपनी की तरफ से ऑलरेडी जो आपको डोमिनर 400 आएगा उसके अंदर कंपनी इंस्टॉल आपको देखने को मिलेगा। ये किट वगैरह आपको सब कुछ देके ये बाइक आपको परचेस करना पड़ेगा, मतलब प्री इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिलेगा, अलग से आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वाई इस बाइक की ऑन रोड प्राइस आपको 2,80,000 या फिर 85,000 आपको पड़ने वाला है। इसको देखेंगे, इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स तो ऑफर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रैक्स वगैरह आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने को नहीं मिलता, वो आपको अलग से परचेस करके लगवाना पड़ेगा। इसके पीछे जो टायर अगर भी ऑफर किया जा रहा है ना, वो भी आपको सिंगल साइज सपोर्टेड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है। टायर अगर काफी अच्छी आएगा, टायर 140 mm के आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बाइक को देखेंगे, यहाँ पे पीछे की टायर ज्यादा वाइडर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपनी इंस्टॉल टायर अगर नहीं आने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द MID। इसकी जो नए MID आपको ऑफर किया जा रहा है, मीटर कंसोल काफी स्टाइलिश है, यहाँ पे कंप्लीटली आपको डिजिटल डिस्प्ले ऑफर किया जा रहा है। और देख लीजिए दोनों अलग अलग भागों में बटा हुआ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो MID की जो ओवरऑल सिस्टम वगैरह ऑफर किया जा रहा है, काफी सारे आपको यहाँ पे डिजिट्स दिखेगा। बेसिकली आप यहाँ पे नोटिस करेंगे स्पीडोमीटर बीच में मिलेगा, RPM मीटर ऊपर की तरफ मिलेगा, गियर पोजिशन इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे शो करेगा, और इसके अंदर ऑटोमीटर ट्रिप मीटर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो स्क्रीन छोटा वाला दिख रहा है ये TFT अलर्ट है, बेसिकली मिस कॉल अलर्ट या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप सीधा सीधा बोल सकते हो, ये सब कुछ आपको उस साइड पे देखने को मिलेगा। तो दो छोटे छोटे स्क्रीन आपको यहाँ पे एक साथ मर्ज कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे जो स्क्रीन आ रहा है ये स्क्रीन काफी छोटा है, इसके साथ अपडेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे देखेंगे ये काफी छोटा, इन्फॉर्मेशन तो आ जाते हैं लेकिन गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको कुछ यहाँ पे विजिबल होगा, यहाँ पे देख लीजिए टैंक के ऊपर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर ऑटोमीटर ये सब कुछ विजिबल हो रहा है। तो इस बाइक के साथ बेसिकली आपको बहुत सारा अपडेट की जरूरत है। आई थिंक बहुत जल्दी डोमिनर के साथ भी अपडेट आने वाला है, डोमिनर 400 एंड डोमिनर 250, ये जो दो कैटेगरी है डोमिनर का, उसके साथ अपडेट बहुत ही ज्यादा नीडेड है, क्योंकि बाइक बहुत पहले से आ रहा है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, तब से ये बाइक ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ अपडेट उतना मेजर नहीं आ रहा है। तो इसके साथ अपडेट आई थिंक बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर आप NS 400 देखेंगे, यहाँ पे जो कंप्लीट पैकेजिंग आपको ऑफर किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा एक कंफर्टेबल और कन्वीनियंट हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको बड़ी सीसी का बाइक तो लेना है लेकिन पैसा बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उनके लिए 2,00,000-2,30,000 के अंदर एक 400 cc का कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिलता है। अभी मैं अगर आपको इसके फाइनल कंक्लूशन बताऊं तो दोनों बाइक में से तो पहले ही कंक्लूशन मैंने कर दिया था, ये बाइक आपको लेना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे, स्पेशली जब ये बाइक अपडेट होकर आएगा तब इसकी तरफ आप देखेंगे। अब मेरे हिसाब से
बजट के अकॉर्डिंग ये बाइक तो फिट बैठेगा, लेकिन अभी भी जो लोग इस बाइक को कंसीडर करने के बारे में सोचेंगे वो बेसिकली टूरिंग पर्पज के लिए इस बाइक को यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे विंडशील्ड आ रहा है, यहाँ पे पीछे रैक कंपनी इंस्टॉल्ड ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल रहा है। अगर आप लद्दाख वगैरह जाना चाहते हो, पहाड़ पे जाना चाहते हो, तो इस बाइक को डेफिनेटली आप अभी भी ले सकते हो। इंजन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, बस फीचर्स वगैरह थोड़ा सा कम है और इस बाइक को थोड़ा सा लाइट वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी ये बाइक आज भी रिलायबल इसके इंजन के साथ या फिर इसके अंदर जो आपको ओवरऑल जो ट्रांसमिशन आता है, जो गियरबॉक्स है, उसके साथ कोई दिक्कत वगैरह नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस बाइक के साथ ये फन टू ड्राइव है, इस सिटी के अंदर काफी इजीली आप कंफर्टेबली राइड कर पाएंगे, सिटी के अंदर या फिर हाईवे के अंदर दोनों जगह ये कंफर्टेबली आप इसको राइड कर पाएंगे। तो सिटी हाईवे दोनों मिला के अगर आपकी यूज है, पर्पस है, तो आप इसकी तरफ जाइए। यहाँ पे काफी सारे कलर ऑप्शन आते हैं और प्राइसिंग जो आया है 185,000, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। आई थिंक जब इसका सेल और बढ़ जाएगा तब इस बाइक का प्राइस और भी इंक्रीज होने वाला है, तो अभी मौका है, प्राइस बहुत ही कम रखी गई है। अगर आपको बुकिंग करवाना है जल्दी जल्दी बुकिंग करवाइए, और वीडियो अगर आप कोलकाता से देख रहे हो तब वोसेल बजाज पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे अभी हम शूट कर रहे हैं ये बेसिकली मिंटू पार्क के अंदर सिचुएटेड है। आप यहां पे आइए, आपको बेस्ट डील प्रोवाइड किया जाएगा और जल्दी जल्दी आपको ये NS 400 डिलीवर करने की कोशिश भी किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्विग इन एंड जय हिंद।